आज हम जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट घूमने, लुलु मॉल। लुलु मॉल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम हाइपर मार्केट घूमेंगे। ये उसकी पार्किंग है जो कि बहुत बड़ी है, उसमें हम पार्क करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पहले की तरह लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है लुलु मॉल में, आपको पता ही है, आप पार्किंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग आए होंगे लुलु मॉल में। जे पागला है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है भाई, बहुत जगह ढूंढने ढूंढनी पड़ रही है। और लास्ट तक वीडियो देखे लुलु हाइपर मार्केट की, एक एक चीज़ क्लिप आप देखने वाले हैं आगे। इतना कम टाइम था हमारे पास, घूम के ये देखिए भाई, सबसे इंटरेस्टिंग तो यहाँ ऐसे रखे गए थे जैसे लग रहा था देख के खाने की इच्छा कर रही थी। आप देखिए क्या बाबू पीस देख लो, एकदम एक पे एक पे एक पे एक प्रभु कुछ तो इच्छा तो चिकन मटन को, अब क्या उसको भी फ्रिज में रख रख के खाया जाए। दीदी इतना बड़ा बड़ा पैर किस चीज का है, काफ़ी ठंड उसको स्टॉक पूरे बाप रे, मटन ब्रेन किडनी ज़्यादा सब अलग अलग करके रखे हैं। ओह माय गॉड, कुछ टेस्टी चला पता नहीं, कुछ लोग तो भाई छूट हो गए में पूरा वो की गई है। चलिए सब सब्जी ले लेते देख सकते हैं, और उतना ही अच्छा लिया इनका, बहुत सारा रकम वो तो नहीं कर करके बस इसको ले जाके पता नहीं खा रही चिकन चिली ड्राई लिया था, बट आप क्या ले रही थी, कुछ बहुत खास नहीं बट अच्छा था, बहुत बुरा नहीं था। मुझको बहुत अच्छा लगता, इसमें पक्का होगा था, मतलब ऐसा ही कुछ टेस्ट है। चॉकलेट लिया,
और भी एक दो चीजें ली अभी हमने ले लिया अब तक वो समय वो वाली प्याज मतलब सैलेड कर दो। हाँ पता नहीं कैसा टेस्ट होगा क्या? ये वाला बढ़िया लग रहा है दीदी। ये केवल लहसुन है और ये क्या है? लहसुन मिर्ची मम्मी छोटी चीजें बोल रही है। कोई ले ले दीदी ये स्टेप थे 188 दिखने में बहुत अच्छा है। ये सारी भी अचार कर दी कि मैंने पानी डाला पता नहीं और ये बहुत सारी सुंदर सुंदर नमकीन हमारे फिर हम चले और उसके बाद हम आ गए अपने कैश काउंटर पे अपना बिल कराने। फिर उसके बाद हम बिल करवाते हैं और जो लोग हैं मार्केट से बाहर निकलते हैं जहाँ लकी कूपन लगवाते हैं क्योंकि हमारा उसके कूपन वहीं रहती है लकी कूपन लगाते हैं। फिर उसके चल देते हैं अपने काम पे वीडियो में बस बस अभी चलेंगे 2 मिनट में चल चलेंगे। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। हम कहाँ चल रहा है घूम टहल रहे थे लुलू मार्केट में कहाँ चल रहा है घूम रहा था मैं उसको घुमा रही थी। बाबू आओ देखो कितना प्यारा आ रहा है आजो आजो वहाँ जाना है यहाँ की क्लिप बनाना चाहती हूँ बाबू इसमें भी खुद पर चला जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड करते हो वही मतलब फिर तो छोड़ दो सब रख लो क्या आपको यहाँ छोटी से बड़ी सारी चीज़ें दिखने वाली हैं और सारी चीज़ें मिल रही हैं इतना अच्छा मार्केट है। और ये थोड़ा बहुत अच्छी कैप्चर नहीं हो पाया है बहुत काफ़ी स्पेसियस है बहुत बड़ा है वैसे फिर थोड़ा बहुत ही फिर उसके बाद हमारे ये लेंगे हम लोग बाबू लुलू हाइपर मार्केट में फिर से लुलू हाइपर मार्केट की कुछ चीजें देखी जैसे कि कॉस्मेटिक्स और ऐसी चीजें कह दो हेलो बोलो हेलो हेलो अपने अपने उसमें
कहते हैं यहाँ कुछ चीज़ें सऊदी से आती हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं यहाँ क्योंकि यहाँ सऊदी से कुछ चीज़ें क्या हो गया कट गया। क्या फोन? कोई नहीं, दे दो मामा को, दे दो सारी वैराइटीज थी और ये हमने यहाँ से बाबू के लिए दो प्लेट लिए थे, बहुत सुंदर था। फिर उसके बाद छोटी कटोरी लेने का सोचते हैं, फिर नहीं लेते हैं हम। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ों में, जहाँ देखिए तांबे की बहुत सारी चीज़ें हैं।
लुलू हाइपर मार्केट कुछ ऐसा ही बिल्कुल भरा पड़ा है कि आप क्या लेना चाहें क्या नहीं लेना चाहें, हर एक चीज़ें यहाँ थी। फिर हम घूमते घूमते, पूरा तो घूमना एक बार में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर सुबह से शाम करने के लिए टाइम हो तो उतना टाइम ही नहीं हो पाता है कि कभी मतलब इतना घूमा जाए, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर सकती हूँ वो की हूँ लुलू हाइपर मार्केट को। फिर इसके बाद यहाँ बच्चों के छोटे छोटे बैग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, और भी कुछ हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या कैप्चर करूँ जो बहुत अच्छा लगे। फाइल्स हैं, जिस भी टाइप की फाइल्स चाहिए, जिस भी टाइप की बैग्स चाहिए, जिस भी टाइप का भी बॉक्स चाहिए, वो बहुत ही, एक बॉक्स तो बच्चों के लिए मुझे बड़ा प्यारा लगा, लेदर जैसा फीलिंग आ रही थी तो ओपन करके जो बहुत सुंदर था, जो दीदी खोल के भी दिखाते हैं कि वाह बहुत सुंदर है बहुत प्यारा है, फिर हम इसको रख देते हैं क्योंकि ये हमारी यूज़ का नहीं है, हम कहाँ उसको यूज़ करने वाले हैं। ये शॉपनर्स के ऐसे पैक थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सारे शॉपनर्स थे, बहुत सारी टाइप्स के थे, मतलब जिस टाइप का आपको लेना हो उन टाइप की चीज़ें यहाँ थी, बहुत सारी टाइप्स की, एक चीज़ के कॉर्नर में जाओ वहाँ हर एक टाइप्स की चीज़ें थी। और ये पेंस बहुत सारी थी, मतलब एक भी चीज़ बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर मार्केट में थी। और जब स्टार्टिंग में तो इतनी भीड़ थी कि लोग इसे एसी वाला अमीनाबाद भी कहते थे, क्योंकि अमीनाबाद में बहुत भीड़ होती है, तभी हम अमीनाबाद का भी ब्लॉग बनाएंगे, तो इसे एसी वाला हाइपर मार्केट कहते थे। यहाँ से हम मछली सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी ले कौन सी ले, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने एक सिलेक्ट किए जो आपको दिखने वाली है। ये देखते हैं वो देखते हैं कौन सी एक्टिव है कौन अच्छी है कौन प्यारी है, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम देखते रहते हैं, फिर हम एक सिलेक्ट करते हैं और उसको ले ही लेते हैं। भाई इसको चैनल फेस करते हैं और हमारे यहाँ फाइव फेस करते हैं कि इतनी हो रही है ना, इनको अकेले ही रखना होता है। इस तक हम खाने आते हैं तो कालका हट, अगर आप घर से दूर रहते हैं लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ चिकन खानी जरूर खानी चाहिए, घर की बहुत टेस्टी है। अगर आप लखनऊ आप अपने घर की याद को भूल जाते हैं, इतना टेस्टी। फिर हम अपने घर आते डिनर के बाद और बहुत सारी चीज़ें जो खरीदे हैं वो देखते हैं, कापड़ वाला ये कुछ मेडिमिक्स की चीज शॉप्स हैं जो बहुत सुंदर हैं, कुछ ब्रश लिया था हमने जो आप देख सकते हैं। ये जॉबिस का हेयर पैक बहुत अच्छा होता है, अगर आप अपने बाल में लगाते हैं तो डेंड्रफ्स नहीं रहेंगे और काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है, और महक भी इतनी सुंदर ना, मतलब बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम दीदी के बाबू के लिए ये लिए हैं टूथपेस्ट, जो बच्चों का है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए चीज़ें केयर करना, इसमें हमने कुछ नमकीन समोसे जो भी पैक करवाए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर सी टेस्टी टेस्टी सी चीज़ें हमने पैक भी कर ली है जो कि रखा हुआ है। ये देखिए कुरकुरी वो था, और ये मिनी कचौड़ी थी, ये गुड़ पराठा टाइप का लंबा लंबा सा था पेस्ट्री सा, और दो दो पैकिंग हमने ऐसा करवाए थे क्योंकि दो लोग थे हम। ये मूंगफली पकौड़ा था, ये भी मूंगफली पकौड़ा था, इडली का एक मेरा। फिर उसके बाद ये भी गुड़ पकौड़ा था, ये जॉबिस का सब, जॉबिस मतलब अच्छी ब्रांड है मुझे बहुत पसंद है तो हम उसकी चीज़ें यूज़ करते हैं। जॉबिस का हर्बल हमने लिया था जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, एक छोटी सी चॉकलेट ली फिर हमने, और फिर हम आपको दिखाते हैं कुछ बेकरी की चीज़ें जो हमने खाने पीने के लिए ली अपने छोटे छोटे बच्चों बाबू के लिए। ये केक बहुत सुंदर लग रहा है, और ये स्वीट जो बहुत टेस्टी है। और फिर इसके बाद हम लेते हैं कुछ छोटे छोटे केक जो बहुत सुंदर है, मतलब देख के टेस्टी लग रहा था। फिर उसके बाद हम आ गए स्वीट्स, कुछ हमने लिया था, ये पीठा था, पीठा रोल था, और भी एक स्वीट है इसका नाम मुझे ध्यान नहीं, बहुत ही टेस्टी ये भी था।
फिर उसके बाद हम आते हैं अपने फिस पे। ये थी हमारी सरप्राइज फिस जो हमने सिलेक्ट की थी, रेड कलर की, जो पूरे डब्बे में इतना घूम रही थी ना कि हमने इसको फाइटर्स कहते हैं और इसको किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये मार मार के सबको मार डालती है, इतनी फाइटर्स होती हैं ये। और ये मतलब इतनी झगड़ालू होती है कि इनको अकेले ही रखना होता है, किसी और को नहीं रख सकते। इनकी ही प्रजाति का कोई और रखते तो ये दोनों कटमर जाती हैं, लेकिन साथ नहीं रहती। बहुत फाइटर्स होते हैं ये, इन्हें फाइटर्स मछली कहते हैं। और चाइना में इन्हें लकी फिश भी कहा जाता है, जिसको हम लाते हैं। कुछ ज़्यादा ही दाना मैं डाल दी हूँ एक्साइटेड होकर, कुछ ज़्यादा ही डाल दी हूँ, दो दिन डालने वाली नहीं हूँ। और फिश के लिए मुश्किल से 4 से 6 दाने बहुत होते हैं, तो वो उसको बड़े मज़े से मेरे घर आके खा रही है। और मेरे घर एक प्यारा सा नीला सा सुंदर सा मेहमान आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं, जिसके साथ मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। और सुबह इसको दूसरे घर में इसको शिफ्ट करने वाली हूँ। और मैं अपने घर में इस सुंदर से प्यारे से मेहमान को देख के बहुत खुश हूँ, बहुत खुश अपनी मछली से। वेरी हैप्पी, मेरे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ।